गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक 12 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड का, जो हायर कंपटीशन में या ग्रेजुएशन लेवल में है उस लेवल का, ऐसे यूज हर जगह होता है लेकिन इंडिविजुअली ये पढ़ना नहीं होता, तो मैं उसी को बताना चाह रहा हूँ। करा व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसके पहले आप थोड़ा सुन लेंगे, विल्किंसन कैटलिस्ट एक कैटलिस्ट है जो कि होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन में जिसका यूज किया जाता है। होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन मतलब जब किसी कंपाउंड में ए हर जगह है, सभी मॉलिक्यूल एक जैसा हाइड्रोजन बनवा, या ऐसा नहीं कि कहीं दो एटम हाइड्रोजन की जरूरत है, कहीं तीन एटम, नहीं, सब जगह एक समान हाइड्रोजन एटम का जब हमको एडिशन कराना है, मतलब रिडक्शन करवाना है, तो जगह इस कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अब रही बात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट, तो आप दो वर्ड जरूर सुनते होंगे। एक होता है कैटलिस्ट जो हमारे शरीर के अंदर काम करता है कि द केमिकल सबस्टांस विच एक्सेलरेट और डिसलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट, बट द केमिकल सबस्टांस विच एक्सेलरेट और डिसलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग बीइंग और लिविंग बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स, बट कैटलिस्ट डज नॉट यूज इन लिविंग इनसाइड लिविंग, एंजाइम्स कैन नॉट परफॉर्म देयर एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ द लिविंग बॉडी। यही अंतर है, समझ गए। और इसी में थोड़ा सा बताने के क्रम में बता देता हूँ, जो इंसुलिन की चर्चा लोग करते हैं कि इंसुलिन बनाया जा रहा, ऐसा नहीं। इंसुलिन जब भी काम करेगा हमारे शरीर के अंदर ही करेगा, हम उसको लैब में अभी उतने प्रैक्टिकली तौर पर नहीं बना पाए हैं। और नाम भी सुने होंगे कि इनुलिन बहुत पहले बनाया गया था, तो लेकिन अभी तक ऐसा कुछ असर नहीं आ रहा है। ध्यान देना है कि व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के विषय में ये होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन कराने के काम में यूज होता है। और कह रहा यह क्या होता है वास्तव में, इट इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल उस मेटल को बोलते हैं जिसके डी सेल में, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सेल में एंट्री करता है, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं और ट्रांजिशन मेटल। तो ध्यान देना है कि यह कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स का वर्ड क्या होता है तो आप थोड़ा सा ये सुन लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि आप 12 में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान देना है कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं। जब कोई मेरे पास सेंट्रल एटम, हम यहाँ पर लिए हैं विल्किंसन कैटलिस्ट समझाने के क्रम में, एक कैटलिस्ट है सॉरी एक मेटल है ट्रांजिशन मेटल, उसको रोडियम बोलते हैं। और रोडियम से क्या होता है, एक तो क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन, और यहाँ पर यह हो गया लिगेंड, एक एल से यूज किए हैं, तीन वो लिगेंड देखिए इसको दिया है लिगेंड, और यह लिगेंड। तो यहां पर यही आपको देखना है कि ये लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं कि जब किसी एलिमेंट के साथ किसी दूसरे सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दिया जाता है सेंट्रल एलिमेंट के वैकेंट डी सबसेल में। तो यहाँ एल जिसको हम यूज किए हैं, यह क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसको दे दिया, इसलिए इसके बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन का ऐसे डिनोट नहीं किया गया है, क्लोरीन के लिए ये ऐसा साइन, इसका मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक तरफा, तो और इससे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है ना गेन किया जा रहा है, डायरेक्टली एक एलिमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, उस सब्सटेंस को लिगेंड बोलते हैं। अब रही बात, हम यहाँ ये एल आपको दे दिए हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिगेंड, यहाँ पर मतलब इस केस में लिगेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो लिगेंड वास्तव में यहाँ होता है पी और ये C6H5 फॉस्फोरस, ध्यान देना है ये पी हो गया फॉस्फोरस के लिए, और ध्यान देंगे हम इसको यहां से लाए PH3, तो कह रहा है इसको फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइड, दैट मींस फॉस्फिन, तो हम इसी का डेरिवेटिव मानेंगे, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। अब ध्यान देना है जब ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन हो गया तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप विल्किंसन कैटलिस्ट का। अब देखिए इस केस में जब इतना कॉम्प्लेक्स रेडिकल
सॉरी एक ही जैसा तीनों जगह है, तो इसके लिए हम बार बार नहीं यूज करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। दो रहता तो बीस बोलते, तो इसको और चार रहता तो टेट्राकिस। तो कह रहा कि ट्रिस, यहां पर लिख देंगे ट्रिस, और तीन वो फिनाइल है, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, क्लोरोरोडियम, क्लोरो इसके लिए भी, इसके लिए क्लोरो यूज करेंगे, क्लोरोरोडियम रोडियम। तो विल्किंसन कैटलिस्ट के विषय में शॉर्टली यही जानेंगे अभी कि इसमें कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है। रोडियम यूज किया गया है, लिगेंड किया है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन यूज किया गया है, और क्लोरीन। उसके बाद कहा जा रहा है इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो इस तरह से विल्किंसन कैटलिस्ट के विषय में मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अभी इसका दो बहुत है, यूज है, मैकेनिज्म है। तो अगले वीडियो में इसके विषय में डिटेल से फिर बताऊंगा। धन्यवाद।